नमस्कार साथियों साथियों, देखिए मैं आज आया हुआ हूँ अपने टेरेस गार्डन में, और टेरेस गार्डन में मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ अपने कोलियस गार्डन का। कोलियस मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं, देखिए अलग अलग वैरायटीज़ के, अलग अलग कलर के। कोलियस को जो है इसके फोलियज, इसके पत्तों के कारण उगाया जाता है। देखिए कितने प्यारे प्यारे इसके पत्ते रहते हैं, लग मन करता है कैसे देखते रहो। और गर्मियों में क्योंकि फूल बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, तो इसलिए कोलियस जो है बहुत अच्छा लगता है। इसकी पत्तियाँ फूलों से कम नहीं लगती, इतनी सुंदर सुंदर पत्तियाँ। देखिए कोलियस में कितने क्या कलर हैं हमारे पास, गजब, एकदम गजब सुंदर लगते हैं। मेरा एक ये मिनी गार्डन है कोलियस का, और इसमें बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे कलर की वैरायटीज हमारे पास उपलब्ध हैं। और जिनको हमने एक छोटी सी तकनीक से, इनकी कटिंग से इनको लगाया है, देखिए ये छोटा सा पौधा हमने तैयार किया है। तो और ये देखिए, ये कोलियस हमारा फ्लावरिंग कर रहा है, फूल दे रहा है। फूल आते हैं कोलियस में, लेकिन ऐसा नहीं है कि फूल नहीं आते, लेकिन फूलों से कोई फ़ायदा नहीं है। उन फूलों के बजाय इनकी पत्तियाँ बहुत सुंदर लगती। देखिए कितनी तरह के, मैंने बताया ना कोलियस के भरमार हैं हमारे यहाँ पर। और ये देखिए एक से एक बढ़िया कलर के, एक से एक बढ़िया पत्तियों के कोलियस हमारे यहाँ रखे हुए हैं। और इन कोलियस में को दिखाने का आज मेरा उद्देश्य आपको ये है कि इसमें छोटी छोटी तकनीकी करने की ज़रूरत रहती है कि इनको फुल सन, मतलब और पार्शल सन, जैसे कि हमने शेड के अंदर ये रखे हुए हैं। इस समय बहुत डायरेक्ट तेज़ गर्मी जब पड़ती है, जैसे इस समय पड़ रही है, तो पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। तो इसमें एक मुख्य काम जो इस समय करने का होता है, जिससे कि ये वृद्धि करें और बूसी बने रहें, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए इसको, इससे ज़्यादा कैमरे में नहीं आएंगे, तो ये देखिए बूसी बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं ये, क्योंकि मैंने बताया ये पत्तियों के कारण उगाए जाते हैं। और जब भी फूल आएंगे, तो ये दिखा रहा हूँ ना मैं, इसमें फूल है, इनकी पिंचिंग करना ज़रूरी है, इनको तोड़ना है, इन्हें फूलों को नहीं रहने देना। फूल अगर रहेंगे तो पूरी एनर्जी पौधा फूल बनाने में, बीज बनाने में लगा देगा, और पत्तियाँ इसकी अच्छी नहीं होगी। तो ये पिंचिंग कर दें। तो आज का टिप कोलियस के बारे में यही है, पिंचिंग का, कि इसके पौधे की पिंचिंग कर दें। फ्लावर्स जितने भी आते हैं, या आपका जो पौधा बूसी नहीं है, इधर उधर निकल रहा है, तो उनको हमें ऐसी टहनियों को, ऐसी पत्तियों को तोड़ देना चाहिए, जिससे कि सीधे बढ़वार ना उसकी हो। तो ये पिंचिंग आप कह सकते हैं, ट्रिमिंग कह सकते हैं, प्रोनिंग कह सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी, जो हमें हल्की करनी होती है उसको हम पिंचिंग कह देते हैं। तो ये दिख रहे हैं मेरे गार्डन में सभी पौधे हैं, बड़े प्यारे प्यारे, इसीलिए वो अच्छे चल रहे हैं, बूसी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़वार नहीं ले रहे। अब ये आप जैसे ये देख रहे हैं, अगर आपको लगता है ये बढ़ रहा है, तो ये आपको यहाँ से पिंचिंग कर देनी चाहिए इसको, तो ये फिर आगे बढ़ेंगे नहीं। तो इस तरह हमें ये अपनी, इनके फूलों की भी और इनकी जो बढ़ती हुई ब्रांचेज हैं, उनको हमें बीच बीच में काट देना चाहिए। तो बस आज का गुरु मंत्र टिप यही कि हमें कोलियस में, विशेष रूप में पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।